देखो बेटा, हमने आपसे हमेशा कहा था कि जब भी फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट आएगा तो वो डिबोगली वेवलेंथ के साथ भी जोड़ सकते हैं। इसमें देखिए, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लैम्डा इंसिडेंट हो रही है, ठीक है। ये फोटो सेंसिटिव सरफेस है, इस पे यहाँ पे हो रही, तो जाहिर सी बात यहाँ से क्या निकलेगा, फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेगा। यहाँ तक क्या होगा, E=W+ काइनेटिक एनर्जी, एम आई राइट? आपके पास काइनेटिक एनर्जी ½mv² हो जाती है। ये आपका निग्लिजिबल है, यानी कि आप कह सकते हैं कि भाई साहब ये हमारा जीरो के आसपास है। और आप जानते हैं E=h(ν) इन फॉर्म ऑफ लेमडा, C/λ हो जाएगा, ½mv² हो जाएगा। मैंने हमेशा बताया कि ये तो फोटॉन आ रहा है, इसका तो मास होगा नहीं, मोमेंटम होता है, लेकिन यहाँ से जो फोटो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, फोटो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, इसका तो मास होगा। इसका जो मास होगा और जो इस वेलोसिटी होगी इसकी, जाहिर सी बात है इसके पास भी मोमेंटम होगा। इसके पास तो मोमेंटम होगा, मास नहीं होगा, इसके पास मास और मोमेंटम दोनों होगा, क्योंकि वेलोसिटी भी होगी तभी तो ये दौड़ेगा, और इसके पास मास भी होगा। ऐसे सूरत हाल में आप किसकी सहायता लेते थे, डिबोगली साहब की। डिबोगली साहब ने वेवलेंथ में क्या कहा था कि साहब λ=h/p, पी उसका मोमेंटम था। अब यहाँ मोमेंटम कंजर्व में कन्वर्ट कर सकते हैं, ऊपर और नीचे m से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बेचारा फोटो इलेक्ट्रॉन के मास से, ये उसका क्या हो गया, मोमेंटम हो गया, ये हो गया। आपको जो डिबोगली वेवलेंथ निकल रही वो λd दे रखा है, यानी ये क्वेश्चन तो डिबोगली की है और ये आइंस्टीन साहब की, इसी पे पाए थे नोबल प्राइज। आप समझते E=mc² इस पर नहीं मिला था, फोटो इलेक्ट्रिक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाया था, इस पर नोबल प्राइज मिला था। तो इस पर जो डिबोगली साहब की जो वेवलेंथ थी वो λd थी। अब आप निकाल लिए, आपने कहा कि भाई साहब P=, क्या हो जाएगा, H/λd हो जाएगा, बस काम बन गया आपका। आपने कहा सर हमारे पास पी का स्क्वायर है, तो कोई बात नहीं, H²/λd² कर लीजिए, एम तो आपके पास था ही। आपने कहा HC/λ, पहले तो H कैंसिल कर लीजिए। अब देखिए किस फॉर्म में आ रहा है, लेमडा का स्क्वायर आ रहा है, तो ठीक है लेमडा स्क्वायर इधर ले जाइए तो आपको लेमडा निकालने को मिल जाएगा। इधर ले आए आपने, आपने कहा λd² हमको इधर ले आते, तो इधर क्या बचेगा, 1/2 H, m नीचे था, c ये आ गया, एम ए राइट बेटा, और ये लेमडा इधर चला गया। आपको क्या लाना था, ऐसा कोई कॉम्बिनेशन मिल नहीं रहा है, तो आपने कहा भाई साहब लेमडा चाहिए था हमको, तो आपने कहा कोई बात नहीं, लेमडा यानी 2mc इधर आ जाएगा, एच नीचे आ जाएगा, और लेमडा स्क्वायर λd का स्क्वायर मिल जाएगा। एम राइट, कोई है कॉम्बिनेशन? यस, ऑप्शन 3 इज द करेक्ट। देखिए 2mc/h λd² तो आपको ये समझना था, ये आइंस्टीन साहब को समझना था और ये डिबोगली साहब को समझना था। हमने हमेशा बताया था कि इन दोनों का ये मिक्सचर कर देता है, तो यहाँ से तो चलेंगे आइंस्टीन साहब और यहाँ पे लग जाएंगे डिबोगली साहब। क्लियर? तो अब अगली बार गलती मत कीजिएगा।